दोस्तों अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों के लिए HPCL की रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी रिगार्डिंग बात करूंगा, जहां पे दोस्तों फ्रेशर्स के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं और बहुत सारी ब्रांच जो है यहां पे एलिजिबल है, तो इसकी रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। वीडियो पसंद है दोस्तों जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो ज़रूर वीडियो को देखिए और लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज जो हमने बता रखी है, ये सारी वैकेंसीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है ये सारे वीडियोस देखना ना भूलें। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसी साथ आशा करता हूं आपको ये वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आएगी। सो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यहां पे। सो दोस्तों यहाँ पे जो है HPCL रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आ रखी है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कौन कौन से ब्रांच जो है एलिजिबल हैं और कितना सैलरी यहाँ पे स्टाइपेंड जो है आपको मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है 25,000 पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस और IT के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। दोस्तों यहाँ पे 18 लेके 25 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन है जैसे SC ST को 5 साल, OBC NCL को 10 साल और PWD को 10 साल जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो है BBTEC के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। 60% जो है जनरल OBC कैंडिडेट के पास होना चाहिए और 50% जो है SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों स्टाइपेंड जो है बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों इस कंपनी में आपको अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनी है जैसे इंडियन ऑयल ही हो गया, गेल हो गया, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें जो है आपका अप्रेंटिसशिप जो है एज ए उसको परमानेंट एज ए एक्सपीरियंस काउंट करती हैं। तो आप जो है इस यहाँ पे स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है। इसके साथ दोस्तों आप तैयारी भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल इंडियन नेशनल कैंडिडेट कैन बी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आपने पहले भी कहीं से अप्रेंटिसशिप या फिर ये सारी चीज़ें कर रखी है तो आप जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। देन दोस्तों अगली जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, IT स्ट्रीम जो है कम्प्लीट किया है 2019 के बाद ही, तो ही जो है आप एलिजिबल हैं। इससे पहले अगर आपने कम्प्लीट किया है तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। देन दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज तो मैंने आपको बता दिया क्या परसेंटेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन किस प्रकार का होगा। तो सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे जो रखा गया है उसमें जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है दोस्तों लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों और क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो कैसे अप्लाई करना है, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ से जाके फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये पूरा PDF जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका 1 साल के लिए है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए पहले आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर नेट्स के पोर्टल में जो है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन ID जनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन ID जनरेट होने के बाद आपको जो है यहाँ पे HPCLcareer.com पे जाके फॉर्म को फिलअप करना होगा। ये सारा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तों यहाँ पे मेल ID भी दे रखा है, आप वहाँ जो है सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। इसके साथ दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए जो यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको सेकेंड क्लास रेलवे फेयर भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे सुविधा मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।